उठो उठो सब सर बोलो। हेलो एवरीवन, मैं सोमेर, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज का वीडियो है लास्ट एग्जाम के बारे में। हमारा 10th सेमिस्टर का लास्ट एग्जाम बाकी है और 7 एग्जाम हो चुका है, 8वां एग्जाम है जो कि लास्ट एग्जाम है और आईडी का एग्जाम है। तो हम अभी पढ़ाई शुरू करने वाले थे तो मैं सोचा कि लास्ट वाला एग्जाम का एक ब्लॉग बना लेते हैं। यहाँ पे बुक खोल के हम बैठे हैं, वहाँ पे कुछ मटेरियल खोले हैं और अभी पीडीएफ भी खोले हैं, कुछ बुक्स भी खोले हैं। देखते हैं इंटरनल डिजीज़ के बारे में अभी पढ़ते हैं, पाराथायरॉयड ये सब है, फियोक्रोमोसाइटोमा। तो चलिए ये ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। अभी 2 बज चुका है और हमारा स्टडी आवर ख़त्म हो चुका है और थोड़े से टायर्ड भी लग रहे हैं, दिख भी रहा होगा फेस से। अभी सो जाते हैं, सुबह 9 बजे एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम हॉल पे भी आपको लेके जाऊंगा और वहां पे देखेंगे क्या क्या रेस्पॉन्स है, कैसा रहता है एग्ज़ाम, वहां पे बात करेंगे, वहां पे देखेंगे लास्ट एग्ज़ाम कैसा है। चलिए गुड नाइट। सो वेलकम बैक। हम अभी सो के उठ और अभी रिवीजन करने का टाइम है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था तो वो मैं आपको अभी सुना देता हूँ कैसे रिवीजन करना होता है एग्ज़ाम के जस्ट पहले। जैसे कि देखिए, गोइटर, एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, हार्मोन यहाँ पे कम हो जाता है इसीलिए साइज इंक्रीज हो जाता है उसे कॉम्पनसेट करने के लिए। और कॉज जो है एंडेमिक गोइटर हो सकता है जो कि आयोडीन के डेफिशिएंसी से हो सकता है। 10% आर अफेक्टेड इन दिस एंडेमिक गोइटर। एंड स्पोराडिक गोइटर भी हो सकता है जो कि प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, देन कुछ ड्रग्स, कुछ एक सिंड्रोम है पेंड्रेन सिंड्रोम जिसमें कि सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है उसके कारण हो सकता है। इसके बाद इसका जो पैथोजेनेसिस है, एंडेमिक कॉज और स्पोराडिक कॉज के कारण जो T3 और T4 है उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा जिसके कारण TSH उसको बढ़ाने के लिए, T3 T4 को बढ़ाने के लिए TSH बढ़ जाएगा और TSH बढ़ने के कारण फॉलिकुलर हाइपरप्लेसिया होगा जिसके कारण आपके ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं गोइटर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, डिफ्यूज गोइटर और सिंपल गोइटर, और एक मल्टी नोडुलर गोइटर हो सकता है। पहले तो डिफ्यूज गोइटर होता है, फिर जब एक एक नोड्यूल्स मोर एक्टिव होने लगते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसिटिविटी बढ़ जाता है तो ऑटोनोमस हो जाते हैं यानी कि अपने से T3 T4 प्रोड्यूस करने लगेंगे, तब ये बन जाएगा मल्टी नोडुलर गोइटर। और मोस्टली ये हाइपो और यू थायरॉयडिक होता है यानी कि T3 T4 का लेवल या तो नॉर्मल या तो कम होता है। लेकिन जो मल्टी नोडुलर गोइटर होता है जो ऑटोनोमस होने के बाद ये टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर बना देता है यानी कि यहाँ पे T3 T4 का मात्रा बढ़ जाता है, उसे प्लमर सिंड्रोम बोलते हैं। यही है गोइटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि MBBS एब्रोड तो बहुत इजी है, वहाँ पे एग्ज़ाम ऐसे ही निकल जाता होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी री एग्ज़ाम्स लगते हैं, री लगते हैं। इसके बाद अगर री एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो क्रेडिट भी लगते हैं, तो इसीलिए पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिना पढ़े सब पास कर जाते हैं। तो इसलिए ये था इसका अभी का ब्लॉग। अभी हम चलेंगे एग्ज़ाम देने, तब भी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या सीन है। तो एग्ज़ाम के लिए रेडी हो चुके हैं और एग्ज़ाम में एक चीज़ की लगता है, स्टूडेंट आईडी कार्ड बोलते हैं इसे, और ये लेके जाना पड़ता है और एक NOC लेके जाना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपका ड्यू अगर क्लियरेंस है तो वो लीडर लेके जाता है, और एक चीज़ की। इसके बाद हम चलते हैं एग्ज़ाम। यहाँ पे नया प्लेग्राउंड बन रहा है वॉलीबॉल के लिए और ये गर्ल्स हॉस्टल और उसके सामने इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाएंगे एग्जाम देने। तो बिज्जू भाई फाइनल एग्जाम? हाँ, लास्ट लास्ट। चलिए ये जो है यहाँ पे डीन ऑफिस है और जितना ऑफिस का वर्क होता है यहाँ पे होता है। हाय गाइस, हाय 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 हाय।
भाई देखो पढ़ रहे हैं ये लोग हमारा कहाँ होता है ऐसे क्लासरूम रहते हैं और यहाँ पे 5 स्टूडेंट बैठते हैं और एग्जाम होता है देख सकते हो मैम का एग्जाम 4 जुलाई को खत्म होने वाला है। अब कौन सा एग्जाम है मैम? मेरा फोर्थ एग्जाम है, सर्जरी का एग्जाम। मेरा भी सर्जरी है भाई, बट अभी कुछ श्योर नहीं हूँ मैं कि एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि लास्ट क्लास जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था कैंसिल हो गया था सर का, तो आई एम नॉट श्योर। अच्छा होगा सर, हां सबका अच्छा हो जाए। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। Few moments later. Guys, come on. So exam हो चुका है खत्म, यहाँ पे लौंडे सब एग्जाम देंगे रेडी और अभी घर चलेंगे कल। ओके okay. कल हम आरटीपीसीआर अभी करने जाएंगे। और वो बात, तुम्हारा एग्जाम हो गया क्या? तुम्हारा तो नहीं हुआ, तुम अभी फिफ्थ ईयर में हो। 60 बचा है वो, हमें सीनियर, ठीक है, रेस्पेक्ट दो सर। बोलो हाँ ब्रो, हेलो भाई लो चला गया वो हाउ ब्रो सो एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म, हम आ गए हैं 6th ईयर में और कल मेरा फ्लाइट है, तो वो वाला ब्लॉग भी आप देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।